छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार स्थानीय नवयुवक और नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। संचार क्रांति योजना की समीक्षा की गई। राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 14,202 टावर लगाए जाने थे, लेकिन इतनी संख्या में टावर नहीं लगाकर केवल 1,638 टावर लगाए गए। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में संशोधन पर चर्चा की गई और पात्रता बढ़ाने संबंधी निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान उठाव के लिए लोडिंग और अनलोडिंग पर वर्तमान में 13.50 रूपये का व्यय होता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा केवल 6.49 रूपये की राशि दी जाती है। पूरी राशि देने के लिए केंद्र से मांग प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। पहले विधायक निधि की राशि में 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक निधि से इस 2 करोड़ रूपये की राशि में से 1.5 करोड़ तक की राशि संबंधित विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी और शेष 50 लाख रूपये की राशि जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया। में लोहार, कुम्हार, घसिया, मरार, केवट, गड़रिया, कोष्टा, दोना पत्तल बनाना, बांस का टोकना, सूपा, कंबल, चटाई इत्यादि जो पौनी पसारी जो गांव का पुराना सिस्टम है, तो 168 नगरीय निकाय में इस प्रकार का जो मार्केट बनाना है और इसमें इसी प्रकार के काम होंगे। परमानेंट तौर पर किसी को दुकान नहीं दिया जाएगा, पूरे चबूतरे बनेंगे, चबूतरे के ऊपर शेड बनेगा, शेड बनने के बाद किसी व्यक्ति के कंट्रोल पे रहेगा। यूपी के बड़े